सिद्धार्थनगर जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने जीएसटी, छापेमारी, यूरिया की कालाबाजारी एवं महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव के नेतृत्व में सपा के वरिष्ठ नेता विजय पासवान, डुमरियागंज की विधायिका सैयदा खातून एवं भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए सभी जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया और साथ ही कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि गांव में भी छोटे व्यापारियों को भी जीएसटी बनवाने को लेकर धमकाया जा रहा है। भाजपा सरकार व पुलिस प्रशासन बिना रुपया लिए कार्य नहीं करती है और एक तरफा मुकदमा दर्ज किया जाता है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए सिद्धार्थ नगर से सुचित वर्मा की रिपोर्ट। असली मुद्दा जीएसटी द्वारा व्यापारियों का जबरन वसूली की जा रही है, जबकि हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है जीएसटी सरकार जब जीएसटी लाई थी तो उसने वादा किया था कि जीएसटी जहाँ से माल उठता है संपूर्ण जीएसटी वहीं काट लिया जाएगा। उसके बावजूद जीएसटी पर जहाँ गांव में भी, अभी तो शहरों में था, हम लोगों के गांव में भी जीएसटी के अधिकारी पुलिस लेके जबरिया चाय वाले को जो एक बोटा दो बोटा लकड़ी चिराने आ रहे हैं उनको भी रोक कर जीएसटी का लाइसेंस बनवाने की धमकी दे रहे हैं। तमाम व्यापारियों के घरों पर छापा मार रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी सिद्धार्थनगर की मांग है कि जीएसटी के लिए सरकार अपने अधीनस्थ, चाहे जिलाधिकारी, चाहे मंत्री, चाहे विधायक, सांसद के नेतृत्व में जिलेवार जीएसटी की एक सीमा तय कर दी जाए कि ये इतना जीएसटी जहाँ से माल उठान होता है, व्यापारी आदमी उपभोक्ता के पास पहुँचता है, एक ही जगह जीएसटी ले लिया जाए, जिससे न तो उत्पीड़न होगा और न भ्रष्टाचार होगा। हम जीएसटी विरोधी नहीं है, लेकिन जीएसटी के तरीके के विरोधी हैं। बारह अभी देखिए कई जगहों पर हमको क्लियर जानकारी कि जब होता है तब जीएसटी बढ़ा देते हैं। सबसे हीरा पर जीएसटी बहुत कम, लेकिन खाद्यान्न पर जीएसटी सबसे ज्यादा। जो गरीबों के उपयोग की जमीनें, खाने पीने की चीजें, वो सबसे ज्यादा हर जगह महंगाई बेतहाशा है। गांव के लोग भूखों मर रहे हैं, जीएसटी के नाम पर वसूली हो रही है। और अभी मैं सूरतगढ़ अपना सदस्यता अभियान में मैं गया था, कई पोलिंग स्टेशन पर, कई क्रय केंद्रों पर, यहाँ तक हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिराम यादव ने मुझे बताया कि ये किसी भी क्रय केंद्र पर धान की खरीदारी नहीं हो रही। कागज में व्यापारियों से साठ गांठ करके क्रय केंद्र वाले वसूली कर रहे, खरीदारी कर रहे हैं और उन्हें पूरे दाम पर किसानों से मजबूर होकर बेचना पड़ रहा। आज धान की फसल कट गई, गेहूं की बुआई है, सरसों की बुआई है, आलू की बुआई है। इस दौरान किसानों को, जिसके पास बाहर की आमदनी नहीं है, वो अपना खाद धान बेच कर अपना खाद खरीद रहा। आज ये सरकार कहती है हम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम दे रहे हैं, कहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? व्यापारी के हाथ में 1200, 1400, 1500 पर धान खरीदा जा रहा। मेरा धान खुद 1200, 1300 रुपये वासिक एक व्यापारी ले गया। अब हम लोगों का तो बाढ़ का इलाका था, उसमें मिट्टी थी धान में, तो ये इसके लिए है। और पुलिस जुर्म इतना है, थाने पर कोई दरखास्त लेके जाए, गाँव वाले बताते हैं कि जो